तो आइए आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस तरह से, जो भी PMMBY का आप लोग जो है फॉर्म भरते होंगे और मान लीजिए कि ई श्रम कार्ड हो या कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोग लगाना चाह रहे हैं और जैसे ही आप लोग फोटो खींच के आप लोग डालते होंगे तो इस तरह से जो है रेड कलर करके आ जाती होगी, यानी कि फाइल मस्ट बी बिटवीन द साइज ऑफ 0 to 2 MB, यहाँ पे आप लोग को इस तरह से देख के आ रही होगी। तो कैसे हल करेंगे इसके बारे में आज जानते हैं। तो जितना भी आंगनवाड़ी शिक्षक देख रहे हैं आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते रहिए कि आप लोग को जो है इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप लोग एक मिनट में आसानी से जो है आप लोग हल कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग काट देते हैं। यहाँ पे काटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फोन में जो है गूगल हो, गूगल क्रोम हो, यहाँ पे हम लोग PMMBY हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी और यहां से आप लोग को क्या करना है कि लॉगिन पहले कर लेनी है, ठीक है। तो ये लॉगिन आप लोग को होगी, यहां पे आप लोग देखिए कि कुछ समय हम लोग वेट करेंगे क्योंकि यहां पे जो है लेवल चल रही है। तो यहां पे हम लोग जैसे ही खोलेंगे तो इस तरह से जो है आप लोग को यूजर आईडी पासवर्ड और ये डालने के लिए कैप्चर दिया जाएगा और यहां से लॉगिन करेंगे तो आप लोग को खुल जाती होगी, आप लोग को भी पता है। तो यहाँ हम फटाफट क्या कर दिए, यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे कैप्चर हमने डाला और यहाँ से हम लोग लॉगिन करते हैं। तो ये आप लोग को लॉगिन होगी, कुछ समय हम लोग वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है लेवल चल रही है। ये जैसे ही ये लेवल दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे जो है इस तरह से जो है हरा करके आ रही होगी, ये लेवल जैसे ही पूरा हो जाएगी तो ये लॉगिन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग कुछ समय वेट करते हैं और इसको जो है लॉगिन करने के बाद हम लोग किस तरह से जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि इसको हम लोग लेवल जो है जैसे ही पूरा हो जाती है तो इस तरह से जो है आप लोग को खुल के आ जाएगी और यहाँ से आप लोग देखेंगे कि अपना लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी लैंग्वेज है यहाँ से आप लोग चूज करके आप लोग चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, जो भी लैंग्वेज है वो आप लोग चूज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करनी होगी, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे थ्री लाइनिंग है, ये थ्री लाइनिंग पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद डाटा एंट्री है, ठीक है, ये डाटा एंट्री पे आप लोग को क्लिक करनी है और यहाँ से बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन है। इस बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही जाएंगे तो ये आप लोग को जो है जो भी डिटेल्स आप लोग डालेंगे फॉर्म भरेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग को फॉर्म खुल के आ जाएगी। तो इस तरह से जो है आप लोग को फॉर्म खुल के आ गई और अब आप लोग को बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करनी है। जो भी पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पे नो करेंगे, यहाँ पे जितना बच्चा है उतना आप लोग को जो है टिकट करनी है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। और यहाँ पे जो है जितना बच्चा अभी है उसको जो है नंबर देनी है इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड पे रहने देनी है, आधार में जो नाम है वो आप लोग को दर्ज करनी है, उसके बाद आधार नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जैसे ही डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे एज आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी है, ये कैटेगरी आप लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे कि जो भी कैटेगरी से है, कौन सा जाति से आते हैं, उस तरह से आप लोग को जो है सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर और आप लोग को जो है यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट यानी कि जो भी प्रूफ लगानी है यहाँ पे क्लिक करके और आप लोग को लगानी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग को इसमें से डॉक्यूमेंट डालनी है, आप लोग को जो डॉक्यूमेंट मिलती है इसमें से आप लोग देख के और यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद जैसे कि मान लीजिए कि ई श्रम कार्ड है, ठीक है, या राशन कार्ड हो सकता है, अगर राशन कार्ड होती है तो उनके नैहर का होता है फिर भी आप लोग डाल सकते हैं जिसमें नाम हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे कि अभी आप लोग ने ई श्रम कार्ड डाला तो ये यहाँ पे जो है ई श्रम नंबर आप लोग को जो है यहाँ पे दर्ज कर लेनी है, जैसे कि 1, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 का होता है ई श्रम में, तो हमने ई श्रम का जो है आईडी डाला। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि चूज फाइल पे, यहीं पे आप लोग को प्रॉब्लम होता है, आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ से जैसे ही कैमरा पर यहाँ पे क्लिक जैसे ही करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने जो है क्लिक किया और जैसे ही क्लिक किए सही मारेंगे तो यहाँ पे देखिए कि आप लोग को यहाँ पे दे दी गई है, यानी कि ये जो है 2 MB से कम होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोग इसको काटिए। काटने के बाद हम लोग को क्या करना है कि अपना व्हाट्सएप, ठीक है, अपना फ़ोन का व्हाट्सएप आप लोग को सबसे पहले खोल लेनी है। जैसे ही खोलेंगे तो आप लोग को इस तरह से खुल जाएगी और यहाँ पे आप लोग को किन्हीं पे, यानी कि मान लीजिए कि मेरा ही है ये व्हाट्सएप बना हुआ या मेरा रिलेशन ही का व्हाट्सएप है, इस पे जानी है और क्या करनी है कि आप लोग को यहाँ से कैमरा खोल के खींच लेनी है फोटो। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि कैमरा दिया गया है, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है आएगी और यहाँ से आप लोग को क्या करनी है कि यहाँ से इस तरह से जो है आप लोग को फोटो खींच लेनी है, इसको जो है सेंड कर देनी है। आप जैसे ही सेंड कीजिएगा आप लोग को ये सेंड हो गई। अब क्या करना है, इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। काटने के बाद हमने जो है इस तरह से देखे थे कि यहाँ पे हमने आईडी खोले हुए थे और यहाँ पे जो है 2 MB से कम होनी चाहिए थी। हम लोग को क्या करनी है कि यहाँ पे आप लोग को फिर से चूज फाइल पे आनी है। जैसे चूज फाइल पे आएंगे उसके बाद आप लोग को जो है फाइल पे आनी है। इस फाइल पे आएंगे जैसे ही तो इस तरह से जो है आप लोग को खुल के आ जाएगी और आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमने जो है व्हाट्सएप से जैसे ही
खींचा है वो कम एमबी का है। यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जैसे कि आईएमजी इस तरह से जो है जो रीनेम है वो रीनेम आ जाएगी वहाँ पे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप लोग देख सकते हैं आईएमजी इस तरह से जो है आ गई। अब आप लोग को जो है ये फाइल अपलोड हो गई। आप लोग को जो भी डॉक्यूमेंट लगानी है व्हाट्सएप से फोटो खींचिए और आप लोग को जो है डायरेक्ट चूज फाइल पर आके आप लोग इस तरह से जो है चूज पर क्लिक करके और इस फाइल पर आप लोग को क्लिक कर लेनी है। इस फाइल पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर आ जाएगी। आप लोग को कैमरा में नहीं जाना है, इस तरह से आ जाएगी और आप लोग आसानी से जो है जो भी डिटेल्स है यानी कि जो है RCH ID हो, MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन संख्या हो, जो भी डिटेल्स है आप लोग को पता ही है, आप लोग को डालनी है और लास्ट में क्या करनी है कि यहाँ से सबमिट मार देंगे तो आप लोग को आसानी से जो है ये सक्सेसफुल ले लेगी। तो इस तरह से जो है आप लोग को जो है ये प्रॉब्लम से दूर आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और कैमरा से क्लिक करेंगे तो सेम उसी तरह से जो है प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि अभी आप लोग को दिखा रहे थे कि ये साइज कम है। तो आप लोग क्या करेंगे कि चूज फाइल पे जाके और आप लोग को जो है फाइल में जाके और जो आपने व्हाट्सएप से फोटो खींचा है या आया हुआ होगा उसका जो है आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो आप लोग को आसानी से जो है व्हाट्सएप वाला जो है फोटो अपलोड ले लेगी। बाद बाकी इसी तरह से आप लोग कर लीजिए। बाद बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।